और आप दम तो बिरयानी हो रही है, अभी हमने उसको छेड़ा ही नहीं है। हाँ। अच्छा पालक को आप बॉईल करके दम दम हाँ देख हो गई। क्या अच्छा तो हमारा है उसको जबरदस्त हो गई ये दम का पालक बॉईल और पिसी हुई है यहाँ पर पिसी हुई सही। अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, थोड़ी हरी मिर्चें, ये कोफ्तों का कीमा ठीक है, सब गरम मसाला थोड़ी सी डाल के इसको हमने मिक्स करना ये जो कोफ्ते के बनाने हैं उसमें चिकन के कीमे के साथ आप कर रही हैं, जब तक तो यहाँ पर चिकन हो जाए साथ साथ ताकि कोफ्ते भी हो जाएं। इसका थोड़ा ज़्यादा काम है ना आपका हरीसा में, हरीसा कोफ्ते काम बहुत होता है लेकिन मैं बना के लाई हूँ काम इतना नहीं। आपने इतना ये देखे ना बॉयल करने वाला गेहूं का काम जो कि बहुत देर से होता है, ये गेहूं आधा किलो बॉयल करके लिया है आपा, चने की दाल है वो भी बॉयल की हुई और उसको आपने चॉपर में चलाया आप पिसा हुआ उसको पानी मिला चॉपर में चला ली वो भी आपको रेडी मिली यहाँ पर और साथ में पालक भी बॉयल और पिसा हुआ है। अच्छा आप तुम एक काम करो बेटा जरा सा इसमें तेल दे दो, ऑयल दे दो ठीक है ताकि कोफ्ते बन जाए। इसी में निकाल दो ये बादाम पिस्ते का है। आप बिरयानी बेटा उतार के मुर्गी उधर रख लो ठीक है क्योंकि बिरयानी तो रेडी है और बिरयानी को गेहूँ इधर बल्कि काम ना करें जी आपा बिरयानी हटाओ हो गई इसके रखते हैं हरीसा कोफ्ते इसमें बनेगा आपा। हाँ बड़ी रेख चाहिए ना ठीक है और ये इसमें डाल लें ओके ठीक है ताकि इसमें कर लेते हैं काम और इसका चूल्हा तेज़ कर देते ताकि ये कुक हो जाए इसको बस हो गया काम हाँ राइट ये यहाँ सही है आपका बिरयानी। हाँ सही बिरयानी की शक्ल दिखा दूँ ओह क्या दम है क्या लग रही है ज़बरदस्त ओहो ये फल मसाले वाले बन गए ये स्टू बिरयानी है बहुत डिफरेंट। अच्छा कोफ्ते इस तरफ बन रहे हैं मैं इधर सज जाती हूँ कुछ यहाँ पर जगह बना देते हैं आप ताकि ईजीली कर लें और ना सिर्फ ये तीन बल्कि एक और आज ड्रिंक भी बन रहा है बड़ा जबरदस्त सा एक और ऑल फ्रूट ऑरेंज विद पाइनएप्पल ओहो क्या बात है ये आपा ने मज़े की रेसिपी बताई है और इसको बनाऊंगी मैं कि किस तरह से इसको बना सकते हैं ज़बरदस्ती इवन ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का पाइनएप्पल फ्लेवर लेंगे और उसमें बनाएंगे नहीं ऑरेंज फ्लेवर लेंगे उसमें पाइनएप्पल ऐड कर रहे हैं ओके। अच्छा आपा हम चल रहे हैं ब्रेक पर ठीक है। अच्छा हम जो काम करेंगे आप जो कर रही हैं आपका कोफ्ते रेडी कर लेंगे बना के इसको हम तल लेंगे और जब तक हम ये गेहूँ डाल दो फिर इसमें तुम इसमें हाँ सारा डाल दो ओके ये है आधा किलो जो कि ढेर सारा लग रहा है ये गेहूँ इसमें चिकन में गया अब ये पक इसमें जैसे पानी डालो ये पकता रहेगा फिर ब्रेक के बाद हम दाल में पानी मिला के डालेंगे और कोफ्ते तल के डालेंगे पालक अच्छा, डालेंगे पानी डाल दिया पानी हाँ, जरा सा डाल और डाल बस ओह बस काफ़ी सारा ये बनेगा भाई ये चीज़ ऐसी है कि सभी चखेंगे ना क्योंकि लग रहा है मुझे इतनी मज़े की बनेगी मैंने ऐसे अभी तक खाया नहीं हरीसा कोफ्ते आज मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी इसको टेस्ट करूंगी मज़े की रेसिपी लग रही है। अच्छा जी जब तक ये कुक होता है इसमें गेहूं चला गया बॉईल और पानी थोड़ा सा डाला है इसको रेडी करते हैं जब तक कोफ्ते आपा बना रही हैं और ब्रेक में आपा कह रही हैं मैं पैन में ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लूँगी कोफ्तों को चिकन की कोफ्तों को फिर आगे क्या होगा हरीसा कोफ्तों में वो जानना है फिर एक ड्रिंक भी है जो कि ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का मज़ेदार ऑरेंज फ्लेवर यूज़ करेंगे आज क्योंकि उसके साथ थोड़ी सी चेंजिंग क्या कर सकते हैं वैसे चेंजिंग की मैं यही कहती हूँ हर बार की ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ डिफरेंट करना हो गेस्ट आ रहे हैं या अपने बच्चों के लिए अपने लिए कुछ डिफरेंट कर सकते हैं तो क्या करना है उसमें पाइनएप्पल डालने के बाद कैसा लुक आ रहा है कैसे लगेगा वो हरीसा कोफ्ते पर सवाल वही है आप लोगों के पास। सरसों के बीज का दूसरा नाम क्या है ये है राही दाना या फिर साबूदाना राही राही एक गाना भी है हमें राही प्यार के कुछ ऐसा भी था अच्छा प्यारा गाना था हम हैं राही प्यार के वो बच्चों हमसे कुछ ना बोलिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए ओहो ये भी है क्या बात है जबरदस्त। अच्छा जी तो ये राही के ऊपर गाने भी बात है पर राही वो राही नहीं है ये है राई दाना अब बताना राई दाना या सागुदाना जो लगता है आप बताएंगे 888 पर फौरन फौरन गाने आपा बताती हैं फौरन फौरन शेर आते हैं इधर तो बड़ी आमद होती है वो गाना बहुत अच्छा था ना मुझको अपने गले लगा लो मेरे हमराही हाँ राही बतलाऊं मैं तुमसे कितना प्यार है क्या बात है
इतनी माशाल्लाह 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 शार्प अच्छी मेमोरी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पापा की, मेरी मेमोरी तो मुझे याद नहीं रहता, पापा को बिल्कुल परफेक्ट याद होती है। वेल अभी के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं जल्दी से, ताकि वापस आएंगे, ताकि ये बाकी और चीज़ें हम जाने, सवाल भी पूछेंगे और आप लोगों के मैसेजेस कॉल भी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी से वापस आइए। हरीसा कोफ्ते, अज्जा, चिकन का कीमा, चिकन बोटी बोनलेस और पालक आधा आधा किलो, गेहूं एक प्याली, तेल एक प्याली, चने की दाल और दही आधी आधी प्याली, मीठा सोडा एक चुटकी, डबल रोटी के स्लाइस दो, बारीक कटी प्याज दो, काली मिर्च हल्दी, पिसा गरम मसाला एक एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हंस पे जायका। भगार के लिए अज्जा, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा पुदीना एक एक गट्ठी, बारीक कटी प्याज तीन, बारीक कटी हरी मिर्च छह, लीमू छह, पिसा गरम मसाला और भुना और पिसा सफेद जीरा एक एक खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक तीन खाने के चमचे। बोटी बोनलेस और पालक आधा आधा किलो, गेहूं एक प्याली, तेल एक प्याली, चने की दाल और दही आधी आधी प्याली, मीठा सोडा एक चुटकी, डबल रोटी के स्लाइस दो, बारीक कटी प्याज दो, काली मिर्च हल्दी, पिसा गरम मसाला एक एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हंस पे जायका। भगार के लिए अज्जा, बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटा पुदीना एक एक गट्ठी, बारीक कटी प्याज तीन, बारीक कटी हरी मिर्च छह, लीमू छह, पिसा गरम मसाला और भुना और पिसा सफेद जीरा एक एक खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक तीन खाने के चमचे। प्रोग्राम हानी, जहाँ पर मजेदार रेसिपीज बन रही हैं, कोफ्ते आप लोग बड़ा देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये चिकन के कोफ्ते हैं और आपा ने इसको पैन में फ्राई करने के लिए रख दिया है और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। ये है यहाँ पर चने की दाल है, इसको हमने पीसा हुआ है उबाल के, अब इसको हम इसमें डाल रहे हैं। ये जा रहा है हरीसा कोफ्ते में। इसमें जो चने की दाल थी उसमें थोड़ा सा आपा ने पानी डाल दिया, पानी डालिए तो ज़्यादा सूखी तो डाल नहीं सकते ना, गुठलियाँ बन जाएंगी। अच्छा, जब हमने बिरयानी दम की थी तो होता क्या, इतने काम होते हैं, इतने सवाल होते हैं, उसमें मैं चीज़ एक भूल गई थी, मक्खन, मक्खन यहाँ रखा था, मैंने ब्रेक में डाल दिया था जो पिघल गया, मेल्ट हो गया है और एकदम खुशबू आई मक्खन की। ओहो, अच्छा, अब इसमें हम ये करते हैं कि ये वाला तेल भी डाल देते हैं और कोफ्ते भी, कोफ्ते अभी नहीं डालेंगे, पालक डालेंगे और अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। ठीक है, आप ये डालें, हम कॉल ले लें आपका। हाँ, ले लो। संधू जाम से हैं इकरा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो इकरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छे जी, मैं आपका जवाब, सवाल का जवाब देना चाहूँगी। हाँ हाँ, दो बेटा। राई दाना। राई दाना, अच्छा आपको पता है साबूदाना क्या होता है? जी हाँ। अच्छा ठीक है जी, फर्स्ट टाइम कॉल करिए, आप मेरे को मैगजीन जरूर दीजिएगा। जरूर बेटा जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज दीजिएगा। हाँ हाँ इकरा जरूर। और आप क्या, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा इकरा, और क्या कोई फरमाइश करोगी? जी कर जी, अम्मी से बात करिए। हाँ अम्मी से करा दो। चलिए, इतनी एक्साइटेड है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या हूँ, मैं मैगजीन चाहिए बस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब हम पालक डाल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, जीते रहें, खुश रहें। और कैसी हो अबिन? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, कैसी है, खैरियत से हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है जी, कहिए। हाँ अल्लाह का शुक्र है। इकरा आपकी बेटी थी, उन्होंने तो जवाब दे दिया आज के सवाल का। आप कोई फरमाइश कर लें, मैगजीन दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, कोई फरमाइश करेंगे रेसिपी की आप? नहीं, फरमाइश तो आप पूरी कर देते हैं आप, बहुत शुक्रिया। बनाती हैं आप रेसिपी? टाइम कॉल किए हमने। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जुबेदा, आप अभी बहुत प्यारी लग रही हैं, इनको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें, खुश रहें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इकरा की मम्मी ने टीवी ऑन किया हुआ है, टीवी का वॉल्यूम भी तेज है और वो वहाँ से सुन रही हैं आप, प्लीज़ उसका वॉल्यूम स्लो कर दें अगर मज़ीद आपने कोई बात करनी है। हेलो, अच्छा बेटा, चलें ओके, मुझे नींबू काट दो बेटे, लेमन और काट दे, नमक और डाल दूँ ताकि दाल डली है ना,
ठीक है, क्योंकि कम हो गया होगा। हाँ। और पालक भी जो बॉइल्ड और पिसा हुआ था वो भी डाल दिया है। बस कोफ्ते अब तक नहीं गए हैं। ये मैं लेमन काटती हूँ और ये लेमन आप पको। सब हो गया। हाँ आप ऐसा लगा सुकून का सांस लिया। सब हो गया है ये काम। अच्छा जी, तो लेमन जूस जा रहा है इसके अंदर। एक अदद लेमन आपा ने हाफ डाल दिया है और एक और पूरा डालने हैं और अब बाकी और ऊपर से कैरी भी। अच्छा जी, बाकी गार्निशिंग के लिए आपा ने कहा अदरक है हरी मिर्च है पुदीना है और नींबू है और तली प्याज है। वो हम जिस बोल में निकालेंगे ना उस बोल में सब चीज़ें ऊपर डालेंगे। क्या अच्छी वैसे रेसिपी है। अच्छा अब ये कोफ्ते भी डाल देते हैं। अब जा रहे हैं फाइनली कोफ्ते भी। ठीक है, जो कि आपने बना लिए थे, फ्राई कर लिए थे, थोड़ा सा मसाला आपके सामने जो डाला था वो हो गया था। और डबल रोटी के स्लाइस दो मिला के पीस लिया था ताकि यकजान हो जाए। ये क्या बात है। अच्छा पालक से अच्छा कलर आ गया इसका, ग्रीन ग्रीन सा। ये गेहूँ और इसके साथ चिकन, ज़बरदस्त। ये इस तरह से हो गया। अब आपा उठाती जा रही तो आपको नज़र आ रहा होगा ये जो गेहूँ भी नज़र आ रहा है, कोफ्ते भी नज़र आ रहे हैं, चिकन भी नज़र आ रहा है। बड़ा डिफरेंट है। लेकिन वो जो दाल थी चने की वो तो बिल्कुल ब्लेंड हुई हुई थी, वो तो मिक्स हो गई। गेहूँ का हमने किया था कि गेहूँ हमने भिगोए और सुबह जब इस मिक्स का पानी जो बच गया था वो फेंका, फेंक के इसमें ताज़ा पानी मिलाया और 2 टेबल स्पून ऑयल मिला दिया और इसको लकड़ी के चम्मच से इसको घुमा घुमा के इसको पकाते रहे। उसके बाद जब इसमें सफ़ेदी सी आने लगी, ये यकजान होने लगे, ये फटने लगते हैं तो इसमें सफ़ेदी सी आ जाती है जिसे हम लेस कहते हैं, वो जब आ गई तो उसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल दिया तो घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको गेहूँ वैसे ही अच्छे मिल जाएगा। ये सही है आपा, वरना घोटना पड़ता है गेहूँ, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा नहीं काफ़ी लेता है पकने में गलने में। सही ये आपा जो सही तरकीब आपको बताती है कि आपने इस तरह से करना, मीठा सोडा पकते टाइम डाल दे तो उससे ये होता है कि बड़े अच्छे से अच्छे गले में। इसमें ज़रा सा घी गर्म कर लो ताकि ऊपर से डाल दें। अच्छा ज़रा मेरा ये माइक पीछे से ठीक कर दें, रिसीवर निकल गया, पता नहीं क्यों निकल जाता है। ये आपा थोड़ा आप ऐसी लगाती है कि चलो 1.5 घंटा आराम से निकल जाएगा, पर ये कहता है नहीं मुझे फिक्स करना है सही से। अच्छा जी चल हो गया। आप ऑयल देखिएगा कितना, बस ठीक है। ये है इसी पैन में कोफ्ते फ्राई किए थे, इसी पैन में ऑयल डाल दिया ताकि इसके ऊपर डाल लें और फिर उसके बाद निकाल लें। बस फिर सर्विंग के लिए रेडी करते हैं। अच्छा सर्विंग के लिए भी आप रखेंगे साथ में, हम ये अदरक और ये चीज़ें नहीं ऊपर से डाल देंगे, बस ऊपर से डाल देंगे क्योंकि हलीम की जिस तरह से होती है इस तरह तो नहीं नहीं है, बस ऊपर से डाल देंगे। ठीक है ये हो जाएगा। बस बाकी चीज़ें रेडी हैं, कुल्फी तो जम की जमा के लेकर आई है, वो फ्रिजर में है और बिरयानी रेडी है जिसके ऊपर दम पर आपा ने मक्खन और ब्रेक में डाल दिया था जो कि रह गया था, मक्खन चला गया है। स्टू बिरयानी रेडी है, बस अब जो रह गया है वो है जी ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का पाइनएप्पल फ्लेवर, नहीं ऑरेंज फ्लेवर विद पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल फ्लेवर में कह रही हूँ, नहीं और अच्छा, देखो अब ये भुना जीरा है ना ये प्याले के ऊपर भी डालेंगे, अब इसके ऊपर और देखो जितना चटपटा हो ना उतना मज़े का होता है। ये बात सही है। ठीक है जी, तो ये हरीसा कोफ्ते जिसके अंदर पालक भुना जीरा है, गरम मसाला है, ये चला गया है और इतना मुझे मज़े का लग रहा है आपका, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और कलर और इस तमाम चीज़ें। अल्लाह करे अच्छा बनाओ, पता है मैंने पहली दफ़ा बनाया और मैं पहली दफ़ा खाऊंगी। तो इतने हमने प्रोग्राम किए कभी मैंने बनाया नहीं। बाकी मैंने और आपा ने मेरे कितने सात से प्रोग्राम कर लिए होंगे, लेकिन मैंने हरीसा आपा को नहीं देखा बनाते हुए, आज हरीसा कोफ्ते बना है फर्स्ट टाइम और लग बड़ा मज़े का रहा है और अच्छा बना होगा आई एम श्योर। ऊपर से गर्मा गर्म ऑयल भी डाल दिया है, ये कलर आप देखें क्या लग रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा। अच्छा अब हम जा रहे हैं ब्रेक पर आपा, बस हम फिर अब डिश आउट करेंगे उस ब्रेक में। ठीक है डिश आउट करेंगे और वो जो ड्रिंक रह गया है ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का ऑरेंज फ्लेवर मज़े का, ये कैसे बनेगा पाइनएप्पल के कॉम्बिनेशन में, कैसे लगेगा कैसे बनेगा, ये तमाम बातें हमने जाननी है। आप करना है आपको फुल एनर्जेटिक फुल रिफ्रेशिंग ताकि अब जी कोई भी काम हो जल्दी जल्दी होना चाहिए, एनर्जी मिलती है ये तरह के ड्रिंक्स पीने से, दिल को सुकून भी मिलता है, ताजगी मिलती है, फ्रेशनेस आती है। तो जी क्या किया जाए,
कैसे बनाया जाए वो बताएंगे, और बाकी चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो डिश आउट करेंगे। कुल्फी जिसका इंतज़ार है, कैसी लग रही है, जमी हुई, वो भी दिखाएंगे। पर सवाल जी आपने बताना सरसों के बीज का दूसरा नाम क्या है, राई दाना या सागू दाना। हमारी कॉलर्स ने तो कह दिया है कि जी ये राई दाना है, पर आपको क्या लगता है आप बताएंगे 888 पर। और मजीद जो क्वेश्चन रहेगा जिनके आंसर वो भी आप जी देंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। Stew biryani. Ingredients: mutton 1 kg, rice 2.5 cups, dried plums soaked 250 grams, oil, fresh milk and yogurt 1 cup each, mint leaves 1 bunch, onions chopped 3, lemon 4, green chilies 4, whole red chilies and whole black pepper 8 each, yellow color a pinch.